सो हे गाइस, फर्स्ट वेलकम बैक टू योर चैनल सोशल मीडिया या टीचर। सो फ्रेंड्स, अगर आपने भी इस वीडियो पे क्लिक किया देन डेफिनेटली आप भी एक इंस्टाग्राम के नए यूज़र हैं और आप भी इंस्टाग्राम को सही से चलाना सीखना चाहते हैं। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आखिर आप इंस्टाग्राम को सही से कैसे यूज़ कर सकते हैं, इस पर अकाउंट कैसे बना सकते हैं, इस पर फोटोज़ आप कैसे यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, कैसे यहाँ पर स्टोरी अपलोड कर सकते हैं और इसकी जो भी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती है इंस्टाग्राम की, प्राइवेसी सेटिंग्स एंड जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स मिलता है आपको इंस्टाग्राम में, उन सब के बारे में आपको आज इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे कि फेसबुक एंड स्नैपचैट है। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि इंस्टाग्राम का 100 करोड़ से डाउनलोडिंग ओवर है पूरे वर्ल्ड में और इंस्टाग्राम हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर एक प्लेटफॉर्म है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर में चले जाना है एंड गाइस, प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ सर्च कर लेना है इंस्टाग्राम। तो गाइस, सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। देन गाइस, आप जैसे यहाँ पर इंस्टॉल कर ले, इसके बाद आपको इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप जैसे इंस्टाग्राम के ऐप को ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिलता है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी इंस्टाग्राम पे नए यूज़र है तो गाइस, आपको करना है कि आपको यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर सबसे नीचे यहाँ पर साइन अप का। तो गाइस, आपको साइन अप वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ साइन अप, तो फ्रेंड्स साइन अप वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर नीचे देखने को मिलता है साइन अप विद ईमेल और फोन नंबर। तो गाइस, आपको इस वाले नंबर पर टैप साइन अप विद फोन नंबर और ईमेल एड्रेस। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि इंस्टाग्राम का अकाउंट आप जिससे भी बनाना चाहते हैं, चाहे अपना फोन नंबर से बनाना चाहते हैं, चाहे अपना जीमेल एड्रेस से बनाना चाहते हैं, तो गाइस आपको करना है कि अगर आप फोन नंबर से बनाना चाहते हैं तो आप अपना फोन नंबर फिल कर दें, नहीं तो आप अपना जीमेल एड्रेस यहाँ फिल कर दें। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अपना जीमेल एड्रेस फिल किया। देन गाइस, इसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन को टैप करना है। तो गाइस, आप यहाँ पर जैसे नेक्स्ट वाले ऑप्शन को टैप करते हैं, उसके बाद गाइस अगर आपने फोन नंबर दिया है तो आपके यहाँ पर एक OTP आएगा उस फोन नंबर पे, नहीं तो अगर आपने जीमेल एड्रेस दिया है तो उस पर आपको एक OTP आएगा। तो गाइस, मैं जाता हूँ अपने जीमेल एड्रेस पे। तो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे यहाँ पर OTP आ चुका है। तो गाइस, इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। देन गाइस, कॉपी करने के बाद आपके यहाँ पेस्ट कर देना है। जैसे मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, देन नेक्स्ट वाला ऑप्शन टाइप करें। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर जैसे नेक्स्ट वाला ऑप्शन टाइप करें, उसके बाद गाइस आपको करना है कि आपके यहाँ पर अपना फोन नेम यहाँ पर टाइप कर देना है। जैसे गाइस, मैं यहाँ पर अपना फोन नेम टाइप करता हूँ आदित्य रंजन। देन गाइस, आपको सेकंड वाले बॉक्स में अपना पासवर्ड रख देना है, जो भी आप यहाँ पासवर्ड अपना रखना चाहते हैं अपने अकाउंट का। तो गाइस, मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड फिल कर देता हूँ। देन गाइस, पासवर्ड फिल करने के बाद आपके यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू एंड सेंस कॉन्टैक्ट। तो गाइस, आपको जो नीचे ऑप्शन मिल रहा है कंटिन्यू विदाउट सेंसिंग कॉन्टैक्ट, तो गाइस आपको इस वाला ऑप्शन टाइप करना है। देन फ्रेंड्स, इसके बाद आपके यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, जो भी आपके यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है। तो गाइस, मैं यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और गाइस, आप इस बात का ध्यान रखें कि आप यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही यहाँ पर सेलेक्ट करें, क्योंकि गाइस अगर आप यहाँ पर गलत सेलेक्ट करते तो आपके यहाँ बाद में प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकता है अपने इंस्टाग्राम के यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ चेंज करने में। देन गाइस, आप यहाँ पर जैसे यहाँ पर कर ले, उसके बाद गाइस आपके यहाँ पर इस तरह का दिखता है यहाँ पर ऑप्शन यूज़र नेम, यानी कि आपके इंस्टाग्राम यहाँ पर क्या यूज़र नेम आपके यहाँ पर है। तो गाइस, अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज यूजर नेम वाला ऑप्शन को टैप करें। देन गाइस, आपके यहाँ पर अपना जो भी यूजर नेम रखना है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। जैसे गाइस, मैं यहाँ पर अपना यूजर नेम रखता हूँ आदित्य अंडरस्कोर रंजन अंडरस्कोर 20। देन गाइस, आप यहाँ पर जैसे यूजर नेम रख लें, उसके बाद गाइस आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन में टैप करके चेक कर लेना है कि वो यूजर नेम इस टाइम अवेलेबल है या फिर नहीं है। जैसे गाइस, मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। तो गाइस, इसमें आपको यहाँ पर थोड़ा देर वेट करें, यहाँ पर पड़ता है। देन गाइस, आप हमें जैसे क्लिक कर दें, उसके बाद गाइस आप स्किप वाले ऑप्शन को टैप करें। देन गाइस, स्किप वाले ऑप्शन को टैप करने के बाद आपको वापस स्किप वाले ऑप्शन को टैप करना है। इसके बाद गाइस, आपके यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आपके यहाँ पर अपना अकाउंट प्राइवेट रखना है फिर पब्लिक रखना है। तो गाइस, अगर आपको पब्लिक रखना है तो आप पब्लिक यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। देन गाइस, आप यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन को टैप करें। उसके बाद फ्रेंड्स, आपके यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप यहाँ पर अपना प्रोफाइल फोटो यहाँ लगा लें। इन गाइस, हम बाद में इसको लगा सकते हैं, तो आप स्किप वाले ऑप्शन टैप कर लें अभी। उसके बाद गाइस, आपके यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा होगा यहाँ पर कुछ पीपल को फॉलो करने के लिए, लेकिन गाइस हमें कुछ किसी भी पीपल को इस टाइम फॉलो नहीं करना, तो आप इसको यहाँ पर ऊपर वाले एरो ऑप्शन को टैप कर ले, राइट साइड वाले ऑप्शन को। देन फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो गाइस, हम इंस्टाग्राम के कुछ इंपॉर्टेंट एंड बेसिक फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर अपना लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, ये प्रोफाइल सेक्शन है। एंड गाइस, आपको जहाँ फर्स्ट में दिखता है वो गाइस आपका इंस्टाग्राम का होम सेक्शन होता है। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम में जिस भी पर्सन को फॉलो करते हैं उसके यहाँ पर जो भी पोस्ट होता है एंड स्टोरी होता है वो सारे आपके यहाँ पर होम पेज में देखने को मिलता है। और गाइस, अगर आपको यहाँ पर किसी पर्सन का सर्च करना है तो गाइस आपके यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन चले जाना है। एंड गाइस, आपको जिसको भी सर्च करना है उसका यहाँ पर यूज़र नेम या फिर आपके यहाँ पर नेम टाइप कर लेना है। लेकिन गाइस, अगर आपको यूज़र नेम याद है तो आप यहाँ पर अपना उस फ्रेंड का या फिर जिसका भी आप सर्च करना चाहते हैं उसका यूज़र नेम आप यहाँ पर टाइप कर दें। जैसे गाइस, मैं यहाँ पर अपना ऑफिशियल अकाउंट यहाँ सर्च करता हूँ।
तो गाइस आप यहाँ जैसे सर्च करते हैं तो आपको अगर यहाँ पर जिस भी पर्सन को फॉलो करना है या फिर आपके फ्रेंड को फॉलो करना है तो गाइस आपको इस फॉलो वाला ऑप्शन टाइप कर देना है। तो गाइस आप जैसे यहाँ फॉलो वाला ऑप्शन टाइप करते हैं उसका गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर होम पेज पूरा यहाँ पर चेंज हो जाएगा और उस फ्रेंड का यहाँ पर जो भी यहाँ पर स्टोरी होगा और जो भी वहाँ पर पोस्ट अपलोड करेगा वो सारे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर एक से दो पर्सन का फॉलो कर लेना है जिसको भी आप यहाँ पर चाहे, जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर किसी पॉपुलर पर्सन को फॉलो करें, आप यहाँ पर अपने फ्रेंड को सर्च करके यहाँ फॉलो कर सकते हैं। जैसे गाइस मैंने फॉलो कर लिया है तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर अपना होम पेज यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर देखने को मिलता है। देन फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो लास्ट में यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है यहाँ पर सेंटर में, वो ऑप्शन गाइस आपको मैं बता दूँ कि वो रील वाला ऑप्शन है। और फ्रेंड्स रील वाले ऑप्शन का यूज़ करके आप यहाँ पर जो भी शॉर्ट वीडियो यहाँ पर रील्स अपलोड होती है वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। और गाइस आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है फोर्थ वाला यहाँ पर नोटिफिकेशन का, तो गाइस नोटिफिकेशन में एक्चुअली होता है कि आपका जिस अगर आप फोटो यहाँ पर अपलोड करते हैं या फिर स्टोरी अपलोड करते हैं तो अगर आपके यहाँ पर आपको कोई पर्सन फॉलो करता है, लाइक करता है, कमेंट करता है या फिर आपको किसी भी पोस्ट में मेंशन करता है वो सारा नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक्टिविटी वाले सेक्शन में। और गाइस आपको यहाँ पर लास्ट वाला दिखता है वो आपका प्रोफाइल यहाँ पर सेक्शन है, यानी कि इस वाले ऑप्शन का यूज़ करके आप यहाँ पर अपनी प्रोफाइल यहाँ पर चेक कर सकते हैं। देन फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पर किसी फ्रेंड से मैसेज करना है तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर होम वाले पेज में आ जाए एंड देन आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है राइट साइड में यहाँ पर एरो वाला, यानी कि एरो वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है उस पर क्लिक कर दें। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि इंस्टाग्राम पर जिस भी फ्रेंड से आप चैट करते हो सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और गाइस अगर आप किसी कोई भी न्यू पर्सन आपको मैसेज करता है इंस्टाग्राम पर तो सारे मैसेज आपके रिक्वेस्ट में चले जाते हैं। देन फ्रेंड्स आप जैसे उनको एक्सेप्ट करते हैं उसके बाद आप यहाँ पर नॉर्मली चैट कर सकते हैं अपने फ्रेंड से। तो गाइस हम बात कर रहे थे कि आखिर आप अपने इंस्टाग्राम के प्रोफाइल को कैसे यहाँ पर अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जैसे गाइस आप यहाँ पर मेरा प्रोफाइल देख सकते हैं कि मेरा प्रोफाइल यहाँ पर कितना अट्रैक्टिव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो गाइस अगर आपको यहाँ पर इस तरह का प्रोफाइल बनाना है तो गाइस आपको करना है कि आपको यहाँ पर एडिट प्रोफाइल वाले ऑप्शन में टाइप करना है। देन गाइस आपको ऑप्शन मिलता है फर्स्ट वाला चेंज प्रोफाइल फोटो, देन फ्रेंड्स सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है। देन आप ऑप्शन पर क्लिक करें न्यू प्रोफाइल फोटो पर। तो फ्रेंड्स इसके बाद आपके यहाँ पर आपका गैलरी यहाँ पर ओपन हो जाएगा और आपके गैलरी से आपके यहाँ पर जो भी फोटो को अपलोड करना है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। जैसे गाइस मैं यहाँ पर अपना इस वाले फोटो के यहाँ पर जस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल के तौर पे। देन गाइस आप जैसे यहाँ पर सेलेक्ट कर ले उसके बाद आपको यहाँ पर राइट साइड वाले एरो ऑप्शन में क्लिक करना है। उसके बाद गाइस आप वापस से एरो वाले ऑप्शन को टाइप करें। तो गाइस आप जैसे यहाँ पर टाइप करते हैं उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलते हैं यहाँ पर फोर्थ नंबर पर। गाइस यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पर बायो का। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि बेसिकली बायो होता है कि आप यहाँ पर क्या करते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, आपके यहाँ पर क्या ड्रीम है या फिर आपकी जो यहाँ बेसिक यहाँ पर इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके बायो में मेंशन आपको करना होता है। और गाइस मैं आपको बता दूं कि आपको बायो को और अट्रैक्टिव यहाँ पर बनाना चाहिए, इसलिए गाइस मैं यहाँ पर नॉर्मल डिटेल्स यहाँ पर देता हूँ। आई एम अ स्टूडेंट यूट्यूबर एंड ब्लॉगर। तो गाइस आप यहाँ पर अपने हिसाब से जो भी आपको मेंशन करना है वो आप यहाँ पर अपने बायो में लिख दें एंड आप कोशिश करें कि आप अपना बायो को और यहाँ पर अट्रैक्टिव यहाँ पर बनाएं ताकि आपको ज़्यादा लोग यहाँ फॉलो करें, इसलिए गाइस आप इस बात का ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स आप जैसे यहाँ बायो कर ले उसके बाद आप राइट साइड वाले एरो ऑप्शन में क्लिक करें। देन गाइस इसके बाद आपके यहाँ पर थर्ड में ऑप्शन मिलता है वेबसाइट का। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर आपके यहाँ पर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कोई भी लिंक यहाँ पर देना है तो आप वेबसाइट वाले ऑप्शन को यहाँ पर फिल कर दें, उसका लिंक यहाँ पर फिल कर दें एंड देन आप टिक वाले ऑप्शन क्लिक कर। जैसे आप यहाँ पर अपने प्रोफाइल को एडिट कर लेते हैं उसके बाद गाइस आपके यहाँ पर राइट साइड वाले टिक वाले ऑप्शन को टैप कर लेना है। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर अपना प्रोफाइल को यहाँ पर एडिट कर लिया। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर अपने इंस्टाग्राम पे कोई भी वीडियो यहाँ पर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो क्रिएट करना है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है राइट साइड में यहाँ पर प्लस वाला ऑप्शन। तो गाइस आपको इस वाला ऑप्शन को टैप करना है जो कि आपको यहाँ पर बॉक्स में यहाँ पर दिख रहा होगा प्लस वाला ऑप्शन। तो गाइस आप जैसे इस वाला ऑप्शन को टैप करते हैं उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है पोस्ट के यहाँ पर राइट में यहाँ पर यानी नीचे की तरफ यहाँ पर राइट में यहाँ पर स्टोरी का। तो गाइस आपको स्टोरी वाले ऑप्शन में यहाँ पर टैप करना है। तो गाइस आप यहाँ पर जैसे स्टोरी वाले ऑप्शन को टैप करते हैं तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर जो भी यहाँ पर कैमरा होगा बाय डिफॉल्ट कैमरा वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। देन फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पर वीडियो बनाना है तो गाइस आपको करना है कि आपको बस इस सर्कल वाले ऑप्शन को यहाँ पर टैप कर लेना है। और फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर अपने वीडियो में फिल्टर यूज़ करना चाहते हैं तो गाइस आप फिल्टर भी यूज़ कर सकते हैं अपने वीडियो को यहाँ पर और अट्रैक्टिव यहाँ पर बनाने के लिए। जैसे गाइस आपके यहाँ पर अलग सारे बहुत सारे फिल्टर यहाँ पर देखने को मिलता है आपके यहाँ पर इंस्टाग्राम में यहाँ पर वीडियो बनाने के टाइम में। जैसे गाइस आप यहाँ पर ये वाला फिल्टर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर आपको यहाँ पर फ्रंट कैमरे से बैक कैमरे को ऑन करना है तो गाइस इसके लिए आपको यहाँ पर राइट साइड में यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिल रहा होगा कैमरे को यहाँ पर फ्लिप करने का। तो गाइस इससे आप यहाँ फ्रंट कैमरे से यहाँ पर बैक कैमरे को चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो क्रिएट करना है तो गाइस आपको करना है कि आपको इस सर्कल वाले ऑप्शन को टैप कर देना है।
तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर जैसे टाइप करते हैं तो आपने जो वीडियो यहाँ पर क्रिएट किया है वह वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आप इस वीडियो को अपने गैलरी में सेव करना चाहते हैं तो गाइस आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है सेव वाला, तो गाइस आपको ऊपर की तरफ जो ऑप्शन मिल रहा है सेव वाला उसको आप टैप कर दें, तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका ये वाला वीडियो आपकी गैलरी में यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो गाइस आप ही सेव का यूज़ करके अपने इंस्टाग्राम पर कोई वीडियो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर आपने इंस्टाग्राम पर कोई भी स्टोरी यहाँ पर कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको स्टोरी अपलोड करना है तो गाइस आपको करना है कि आपको यहाँ पर होम में जाने के बाद आपको जहाँ पर इंस्टाग्राम में आपके योर स्टोरी का ऑप्शन दिख रहा हो उस पर क्लिक करना है प्लस वाला ऑप्शन को। देन फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अगर वीडियो बनाना है तो आप नॉर्मली वीडियो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। एंड अगर आपको अपने गैलरी का किसी वीडियो को अपने स्टोरी में लगाना है ये भी लगा सकते हैं, जैसे गाइस मैं आपको बताता हूँ। देन फ्रेंड्स आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर लेफ्ट साइड से नीचे गैलरी वाला, तो गाइस आपको इस वाला ऑप्शन टाइप करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपके यहाँ पर जिस भी वीडियो को अपने स्टोरी में लगाना है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें, जैसे गाइस मैं इस वाले वीडियो को यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ अपने स्टोरी में क्योंकि गाइस मुझे इस वाले वीडियो को अपने गैलरी में यहाँ पर लगाना है। तो गाइस इसको आप यहाँ पर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे कोई वीडियो हो चाहे कोई फोटो। और फ्रेंड्स अगर आपको कुछ एडिट करना है तो आपके यहाँ बहुत सारे फीचर यहाँ पर ऊपर देखने को मिल रहा है तो आप इसका यूज़ करके भी यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँगा अगर आपको डिटेल्स में जानना है कि आखिर इंस्टाग्राम का स्टोरी के यहाँ पर कैसे सेटिंग्स इंपॉर्टेंट होती है एंड जो भी यहाँ पर आखिर आप अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी को कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर एडिटिंग की सेटिंग्स होती है उन सब के बारे में आपको बता दूँ कि इस टॉपिक पे हमारे चैनल वीडियोस पहले से बना हुआ है, तो आप आई वाले ऑप्शन में जाके उस वीडियो के यहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइस अगर आपको स्टोरी अपलोड करना है अपने गैलरी से तो गाइस आप जैसे कोई फोटो या फिर अपना वीडियो सेलेक्ट कर ले उसका गाइस आपको सेंड टू वाले ऑप्शन में टाइप करना है। देन गाइस सेंड टू वाले ऑप्शन में टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है योर स्टोरी, देन गाइस आप शेयर वाले ऑप्शन में टाइप करें एंड देन डन वाले ऑप्शन में टाइप कर दें। तो गाइस आप यहाँ पर जैसे यहाँ पर डन करते हो तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका इंस्टाग्राम का स्टोरी जो भी होगा यहाँ पर अपलोड यहाँ पर हो चुका है, जैसे कि फ्रेंड्स आपके यहाँ पर देखने को मिल रहा है यहाँ पर आपका स्टोरी यहाँ पर अपलोड हो चुका है। और आपके स्टोरी के यहाँ पर जो भी पर्सन व्यू करता है वो यहाँ पर आप ऊपर की तरफ यहाँ पर स्वाइप कर लें एंड आपको जो भी यहाँ पर व्यूअर होंगे वो सारे आपके यहाँ देखने को मिला कि आखिर किस किस पर्सन ने आपका स्टोरी यहाँ पर देखा है। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर अपने इंस्टाग्राम पर इस तरह से कैसे यहाँ पर फोटोज़ यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे अट्रैक्टिव फोटोज़ यहाँ पर अपलोड किए, आखिर आप ऐसे फोटोज़ यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम कैसे यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको फोटो अपलोड करना है तो गाइस आपको सिंपल वे में बता दूं कि आपको प्रोफाइल में चले जाना है या फिर अपने होम में चले जाना है एंड प्रोफाइल में जाने के बाद आपको जो ऑप्शन मिलता है ऊपर की तरफ प्लस वाला उस पर टाइप करना है, देन गाइस आपको पोस्ट वाला ऑप्शन को टाइप कर लेना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आपको जिस भी फोटो को या फिर वीडियो को अपने यहाँ पर न्यूज़ फीड यानी कि अपने इंस्टाग्राम के यहाँ पर सेक्शन में यानी कि प्रोफाइल सेक्शन में फोटोज या वीडियो अपलोड करना है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले, जैसे गाइस मैं इस वाले फोटो के यहाँ पर नॉर्मली यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ जस्ट एग्जांपल के तौर पे। और गाइस अगर आपको बहुत सारे फोटो सेलेक्ट करना है एक पोस्ट में तो आप यहाँ पर सेलेक्ट मल्टीपल पर क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ जैसे एक फोटो सेलेक्ट कर ले उसका गाइस आपको राइट साइड वाले एरो ऑप्शन में क्लिक करना है, देन आप वापस से एरो वाला ऑप्शन में क्लिक करें, देन गाइस आपके यहाँ पर जो भी अपना कैप्शन लिखना है उसको आप यहाँ टाइप कर दें, जैसे गाइस मैं अपना नॉर्मल कैप्शन लिखता हूँ हैव अ नाइस डे। देन फ्रेंड्स आप यहाँ किसी पर्सन को टैग भी कर सकते हैं एंड लोकेशन आप यहाँ जो भी देना चाहें वो लोकेशन भी आप यहाँ पर अपने हिसाब से दे सकते हैं एंड देन फोटो में जैसे ही आप यहाँ पर कैप्शन दे दें। और गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी इंस्टाग्राम के नए यूज़र हैं तो आप ये वाला हैशटैग जरूर यूज़ करें अपने पोस्ट में, जो गाइस मेरे यहाँ पर ऑफिशियल पोस्ट है, अगर आप इस पोस्ट यानी कि इस हैशटैग को अपने पोस्ट में यूज़ करते हैं देन गाइस डेफिनेटली मैं बता दूं कि आपका अकाउंट मैं इंस्टाग्राम का प्रमोट करूँगा और आपके यहाँ जो भी पोस्ट होगा उसको लाइक भी जरूर करूँगा। देन गाइस आप इस हैशटैग का यूज़ करें नो आदि, देन गाइस आप यहाँ जैसे हैशटैग यूज़ कर ले वाला उसका गाइस आपको ऊपर राइट साइड वाले टिक वाले ऑप्शन में टाइप कर लेना है। देन फ्रेंड्स आप यहाँ जैसे टाइप करते हैं तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर जो भी पोस्ट होगा वो यहाँ पर आपके इंस्टाग्राम के फीड में अपलोड यहाँ पर हो चुके हैं। और जैसे कोई पर्सन यहाँ लाइक करता है उसका नोटिफिकेशन आपके यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिल जाएगा एक्टिविटी वाले सेक्शन में। तो फ्रेंड्स आप इसी वे का यूज़ करके अपने इंस्टाग्राम में कोई पोस्ट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम के फीड सेक्शन में। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर अपने इंस्टाग्राम पर न्यू फ्रेंड्स यहाँ पर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके इंस्टाग्राम में पहले से फ्रेंड्स है तो आप नॉर्मली उनका अकाउंट यहाँ सर्च करके उन्हें मैसेज एंड चैट कर सकते हैं एंड नॉर्मल वे में उनको अपना फ्रेंड बना सकते हैं। लेकिन गाइस अगर आप न्यू यूज़र है तो फ्रेंड्स आपको करना है कि आपको यहाँ पर चले जाना है किसी बड़े प्रोफाइल में यानी किसी सेलिब्रिटी की प्रोफाइल में, जैसे गाइस मैं इनकी प्रोफाइल में जाता हूँ विराट कोहली की प्रोफाइल में, देन गाइस आपके यहाँ पर जो पहला पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलता है उस पर क्लिक करें, देन गाइस आपको यहाँ पर ऑप्शन मिला नीचे की तरफ यहाँ पर लाइक का, तो गाइस आप इन लाइक में क्लिक कर लें। देन फ्रेंड्स आपको करना है कि आपके यहाँ पर जो भी यहाँ पर पर्सन दिख रहा है उनको आप यहाँ फॉलो कर लें एंड जिससे भी आप यहाँ चैट करना चाहते हैं उनको नॉर्मली आप यहाँ पर चैट कर सकते हैं। और गाइस मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट वाला यानी कि जो भी यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर होगा पोस्ट उसको मैंने इसलिए किया कहा क्योंकि यहाँ पर जो भी पहला पोस्ट होगा उसमें सारे बंदे यहाँ पर यानी जो भी पर्सन होंगे वो सारे एक्टिव होंगे,
तो आप नॉर्मली यहाँ पर उनको फॉलो करके यहाँ पर फ्रेंड बना सकते हैं, एंड अगर वो भी आपको फॉलो बैक कर ले देन गाइस आप डेफिनेटली एक दूसरे के यहाँ पर अच्छे फ्रेंड यहाँ बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको अपने फ्रेंड से चैट करना है तो गाइस आपको नॉर्मली करना ये कि आपको जहाँ पर ऑप्शन दिखता है मैसेज वाला, तो गाइस आपको मैसेज वाला ऑप्शन टाइप करना है, एंड जैसे कि मैं नॉर्मली मैसेज करता हूँ हाई हाउ आर यू, तो गाइस आप इसी वे का यूज़ कर नॉर्मली अपने फ्रेंड से चैट कर सकते हैं। और गाइस मैं आपको बता दूँ कि आपका इंस्टाग्राम का यहाँ पर जो भी चैट होगा वो सारे आपके यहाँ पर होम में जाने के बाद आपको राइट साइड वाले यहाँ पर एरो ऑप्शन क्लिक करना है, एंड आपने यहाँ पर जिस पर्सन से मैं चैट किया वो सारे आपके यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो गाइस आप इसी वे का यूज़ करके आसानी से यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम में किसी फ्रेंड से यहाँ चैट कर सकते हैं। और गाइस मैं आपको बता दूँ कि इंस्टाग्राम में आप जब भी किसी न्यू पर्सन को चैट यानी न्यू पर्सन को मैसेज करते हो उसका गाइस होगा ही कि जो भी न्यू पर्सन होगा उसके पास एक यहाँ पर रिक्वेस्ट जाएगा कि आपने उन्हें मैसेज किया है, तो वो जैसे चेक करके यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं, देन फ्रेंड्स वैसे ही आप आसानी से यहाँ पर कंटिन्यू चैट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो फ्रेंड्स मैं आपको इंस्टाग्राम में कुछ इंपॉर्टेंट एंड प्राइवेसी सेटिंग्स के बारे में बता दूँ जो कि बहुत ही यूजफुल है। तो गाइस अगर आपको सेटिंग्स में जाना है तो फ्रेंड्स आपको करना है कि आपको अपने प्रोफाइल में जाने के बाद आपको राइट साइड जो थ्री लाइन दिख रहा है उस पर क्लिक करें, देन फ्रेंड्स आप सेटिंग्स वाले ऑप्शन क्लिक करें फर्स्ट वाले सेटिंग्स ऑप्शन पे, उसके गाइस आपको यहाँ पर थर्ड नंबर पर ऑप्शन दिख रहा है प्राइवेसी का। तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि इंस्टाग्राम की जो भी प्राइवेसी यहाँ पर सेटिंग्स होती है वो सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स आपके यहाँ फर्स्ट में दिख रहा होगा प्राइवेट अकाउंट का, तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि अगर आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को टैप करके प्राइवेट अकाउंट यहाँ पर बना लेते हैं तो गाइस इससे होगा कि आपका अकाउंट यहाँ पर प्राइवेट हो जाएगा और कोई भी पर्सन ना ही आपका प्रोफाइल फोटो यहाँ पर देख पाएगा सही से, एंड ना ही आपको यहाँ पर आपके पोस्ट को सीन कर पाएगा, एंड ना ही आपके पोस्ट को कमेंट कर पाएगा, ना ही स्टोरी देख पाएगा। और गाइस अगर आप प्राइवेट अकाउंट कर लेते हैं तो कोई पर्सन आपकी स्टोरी को एंड पोस्ट को तभी देख पाएगा जब आप उनकी रिक्वेस्ट को यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं। तो गाइस आप इस बात का ध्यान रखें। देन फ्रेंड्स आपके यहाँ पर ऑप्शन यहाँ नीचे देखने को मिल रहा है वो इंट्रैक्शंस कि कौन कौन पर्सन आपकी स्टोरी को देख सकता है, कौन कौन कमेंट पढ़ सकते हैं, एंड कौन कौन आपकी पोस्ट में लाइक कर सकता है। तो गाइस इसको भी आप यहाँ पर अपने हिसाब से यूज़ कर लें। देन फ्रेंड्स आपको लास्ट में ऑप्शन देखने को मिलता है रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट ब्लॉक्ड अकाउंट, यानी कि जिस भी पर्सन को आपने रिस्ट्रिक्ट करके रखा है या फिर ब्लॉक करके रखा है वो भी आप यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पर रख सकते हैं। देन फ्रेंड्स आपके यहाँ पर ऑप्शन मिलता है फोर्थ नंबर सिक्योरिटी का, तो फ्रेंड्स सिक्योरिटी में आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन मिलता है पासवर्ड का। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड चेंज करना चाहते हो या फिर अगर आप अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड भूल गए तो आप यहीं से अपना इंस्टाग्राम का पासवर्ड जो भी न्यू रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, एंड चाहे तो फॉरगेट भी कर सकते हैं फॉरगेट वाला ऑप्शन को टैप करके। इसके लिए बस आपको अपना करंट पासवर्ड रख देना है जो भी आपने अपना न्यू पासवर्ड अभी बनाया है, देन आप जो भी न्यू पासवर्ड रखना चाहते हैं उसको आप यहाँ टाइप करके आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आपके यहाँ फोर्थ में ऑप्शन मिलता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का, तो गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पर अपने अकाउंट को और ज़्यादा सिक्योर रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपने अकाउंट में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के यहाँ पर अनेबल कर लें। तो गाइस इसके लिए आपको सिंपल वे में बस करना है कि आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करना है, गेट स्टार्टर पर क्लिक करना है, उसके बाद आप यहाँ टेक्स्ट मैसेज पर क्लिक करें लास्ट वाले टेक्स्ट मैसेज पर, उसके बाद आप यहाँ अपना फ़ोन नंबर टाइप कर दें, एंड फोन नंबर टाइप करने के बाद आपको उस फोन नंबर पर एक OTP आएगा, एंड OTP के बाद होगा ये कि आप जब भी अपना अकाउंट किसी भी न्यू डिवाइस में या फिर अपने इस फोन में लॉगिन करेंगे तो उस पर आपको एक OTP आएगा, यानी कि OTP फिल करने के बाद ही आप यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट लॉगिन यहाँ पर कर पाएंगे, जिससे कि आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट और ज़्यादा यहाँ पर सिक्योर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है सिक्स नंबर पे अकाउंट का, तो गाइस मैं आपको बता दूं कि अकाउंट में जो भी आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगा, जैसे गाइस मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्लिक करता हूँ तो फ्रेंड्स इसमें आपको अपना ईमेल एड्रेस फ़ोन नंबर एंड जेंडर जो भी आपका बर्थडे होगा वो सारे यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ से अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंस्टाग्राम का चेंज कर सकते हैं। और गाइस आपको अकाउंट में यहाँ पर आप अकाउंट वाला ऑप्शन का यूज़ करके आपकी जो भी एक्टिविटी होगी आपकी लैंग्वेज होगी उसको भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो गाइस इंस्टाग्राम की यही कुछ मेन इंपॉर्टेंट सेटिंग्स थे जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। और गाइस अगर आप इंस्टाग्राम का A to Z सेटिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं बिल्कुल डिटेल में, यानी कि इंस्टाग्राम में जो भी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती है पूरे इंस्टाग्राम ऐप की वो अगर आप उन डिटेल में जानना चाहते हैं तो गाइस मैं आपको बता दूँ इस टॉपिक पर भी हमारे चैनल में वीडियो, तो आप आई वाले ऑप्शन में जाके या फिर हमारे इंस्टाग्राम का यानी कि हमारे चैनल में जाके इंस्टाग्राम के प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को यहाँ पर जरूर देखें, क्योंकि गाइस वो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है अगर आप भी इंस्टाग्राम को अच्छे से यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स इंस्टाग्राम की जो भी यहाँ पर बेसिक सेटिंग्स थी बेसिक फीचर्स थी एंड जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें थी इंस्टाग्राम की उन सब के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में बता दी है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब प्रेस करो। गाइस आप चैनल मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो गाइस हैव अ गुड डे।